मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गुना के बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री केएल अग्रवाल अपने 400 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। प्रदेश में उपचुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान केएल अग्रवाल ने कहा कि मैंने कमलनाथ के 15 महीनों में किए गए कामों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती रही है। बीजेपी ने अपने लोगों से मुझ पर टिकट खरीदने के आरोप लगवाए और मुझे चुनाव हारने के लिए माहौल बनाया। अग्रवाल मेरे जितने हैं कार्यकर्ता हैं 500-700 कार्यकर्ता लगातार सक्रिय बने रहे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ मैंने ईमानदारी के साथ हर कार्यक्रम में पूरी मेहनत करी। एक कार्यक्रम मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, 9 अक्टूबर 2013 को आपके ध्यान में होगा अमित शाह जी का गुना जिले का दौरा था। उसमें पार्टी ने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी बांटी थी कि आपको इतनी संख्या में लोग लाना है, आपको इतनी संख्या में लोग लाना है। 9 अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं आपको। बीडी शर्मा साहब जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण जी जैन जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। वो लोग करीब 8-10 दिन गुना में भी रहे थे। जब अमित शाह जी के आने का समय हुआ तो बाकी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली थी। हनुमान चौराहे से कार्यक्रम चालू होना था, वहां मुश्किल से 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए थे। और बीडी शर्मा जी इस बात के गवाही हैं, आप पूछेंगे तो उनकी हालत खराब थी। अरुण जैन साहब परेशान थे। फिर जब मैं अपने 10,000 आदमियों की भीड़ लेकर अपने ऑफिस से एबी रोड आया तो इनकी जान में जान आई और उसके बाद अमित शाह जी का कार्यक्रम हो सका। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, 20 दिन बाद मुझे टिकट दिया आपने और आप देख रहे हैं संख्या बल किसके साथ में, फिर आप मेरा टिकट काट रहे हैं। और मेरी भी इतनी मानता हूँ, मैंने तुम्हारा टिकट मांगे नहीं गया किसी के पास में। मुझे ये भरोसा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, मंच पर झूठा आश्वासन देती है। और ये लोग बोलते हैं कि आपके लिए टिकट मांगने हमारे पास नहीं आना, हम अपने आप सबका सर्वे कर रहे हैं लेकिन मांगे नहीं आना आपके लिए। मैंने वही पालन किया और मेरे साथ धोखा किया। जब मेरे कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि भाई साहब इनको सबक देने के लिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और मैं एक बात की जानकारी और दूं बीच में, मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहता था उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपको, मुझे विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। उस समय मैंने कमलनाथ जी का कार्यकाल नहीं देखा था। माननीय सिंधिया जी का, विठल मीना जी और आज एक कार्यकर्ता उपस्थित जिले के महामंत्री थे वो उस समय रामजीलाल धाकड़, मेरे पास आए और बोले विठल जी मीना कि महाराज आपको टिकट देना चाहते हैं। मैंने कहा यार मेरा कांग्रेस में जाने का मन नहीं है, ये बात मैं कहा मेरा कांग्रेस में जाने का मन नहीं है, ये बात मैं कर रहा हूँ 18-2 नवंबर की। 3 तारीख को मेरी बैठक हुई, हमने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। दुनिया भर के दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे ऊपर आए। मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अटल है, दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। और आप में से अधिकतर पत्रकार लोग जानते होंगे कि मेरे मंत्री पद का कार्यकाल किस तरह निष्पक्ष और साफ रहा है। मैंने विकास में भरोसा किया, मैंने चुनाव लड़ा। आपको ध्यान होगा उस समय भी एग्जिट पोल में ये आ रहा था कि बमोरी सीट निर्दलीय प्रत्याशी के अग्रवाल चुनाव जीत रहे हैं। मैं चुनाव हारा नहीं, केवल सिंबल के कारण कि मेरा चुनाव चिन्ह 13वें नंबर में था। हमारी बमोरी की जनता भोली भाली है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी है तो वोट गलत डाल गए। तब भी मैं चुनाव जीता हुआ था, संजू को मैंने तब भी हरा दिया था। उसके बाद जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैंने केएल अग्रवाल से पूछा आपका लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि बिकाऊ लोगों को घर बैठाना है।
बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव किसी विधायक के निधन होने पर कराए जाते हैं, पर आज प्रदेश में सौदे के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। आप इसे उपचुनाव मत मानना, यह मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव मानना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनते ही बची हुई कर्ज माफी पूरी की जाएगी। सभी यहाँ बैठे हुए संजय, प्रकाश, सभी यहाँ उपस्थित बमोई से आए हुए जो आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप किसके आए, आप क्यों आए? आज अग्रवाल जी, KL अग्रवाल जी को मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, ये भी आप सुन लें। जब मैं पहली दफा इनसे मिला था कुछ महीने पहले, मैंने इनसे पूछा था आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? कहते ये बिकाऊ लोग जो हैं, इनको घर बिठाने का मेरा लक्ष्य है। मैंने इन्हें आमंत्रित किया, आप आइए कांग्रेस में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं है पर पीछे से समझ रहे हैं, और आप इसलिए आज ये आए हैं, अग्रवाल जी ये आए हैं। कांग्रेस का तो साथ देंगे, कमलनाथ का साथ देंगे, पर इसलिए आप आए हैं कि आपने सच्चाई का साथ देने आए हैं। अपने देश के संविधान में उपचुनाव है, उपचुनाव का प्रावधान है। उपचुनाव कब होता है? उपचुनाव तब होता है जब किसी विधायक का निधन हो जाए। आज तक अपने देश में ऐसा उपचुनाव नहीं हुआ जिसको सौदे के कारण हमें उपचुनाव करना पड़ रहा है। सौदे से ही उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश को कि ये ऐसा प्रदेश है जहां सौदे से बिकाऊ विधायक है। क्या मध्य प्रदेश की का नाम इन्होंने मिट्टी पे लिख दिया? उपचुनाव क्योंकि सौदा हो गया, निधन नहीं हुआ, उपचुनाव की सौदा हो गया। क्या मध्य प्रदेश को यह शोभा देता है? यह आज प्रश्न हमारे सामने। ये उपचुनाव मत मानिएगा, इसे आम चुनाव मत मानिएगा, इसे तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव मानिएगा, क्योंकि यह क्या करेगा कि हम कैसी राजनीति, कैसा मध्य प्रदेश का नक्शा, विकास का नक्शा अपने देश में, अपने देश के सामने रखना चाहते हैं। इस चुनाव में यह तय होने जा रहा है। अगर अभी अग्रवाल जी ने एक सच बात कही, बहुत सी बातें कही, पर सबसे सच्ची बात थी कि बीजेपी कितना झूठ बोलती, ये कितना झूठ बोलती। कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, सही बात है, इसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, आचार संहिता में 1 महीना गया उत्तर प्रदेश में, हमारे पास तो 11.5 महीने थे। जो 11.5 महीने की तस्वीर है आप सबके सामने, मैंने कोई घोषणा नहीं करी थी कि हम मध्य प्रदेश के नौजवानों का लिए पूरा प्रयास करेंगे। इतने सारे नौजवान हैं, उनको देख के मुझे चिंता होती है। आपका नौजवान जो भटक रहा है कृषि क्षेत्र में, कैसे हम नई क्रांति लाएं? कृषि क्षेत्र तो हम सुधार लेंगे, क्रांति ले आएंगे नीति से, अपने नियत से, पर ये नौजवानों का क्या होगा? ये कोई नीति बनाने सबको रोजगार मिल जाए, रोजगार नहीं मिलने वाला है। गौरतलब है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को झटका देते हुए नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि दल बदलू नेताओं को मतदाता कितना महत्व देते हैं। भोपाल से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।